बस मैं आ चुकी हूँ अपने शॉपिंग पे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मेरे भाई की शादी है, तो मैं अपने लिए कुछ अच्छा सा ढूंढ रही हूँ कॉकटेल पार्टी के लिए और उसकी शादी के लिए, ना वेडिंग का जो मेन फंक्शन है, जो उसके लिए कुछ ढूंढ रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आई हूँ, मेरे साथ रूही आई हुई है। तो रूही तो मुझे लगता है मेरे साथ पहले दिन से ही है, जब से मैं इंडिया आई हूँ तब से रूही मेरे साथ ही है। तो रूही मेरी बहुत हेल्प कर रही है। नहीं यार सीरियसली थैंक यू सो मच, तुम बहुत हेल्प कर रही हो। तो रूही मुझे तिलक नगर में कलेक्टिव स्टूडियो लेके आई है। तो कलेक्टिव स्टूडियो में हम लोग आ चुके हैं और इनकी कलेक्शन वाकई में बहुत अच्छी है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। मैं अभी आपको डिटेल लुक भी दिखाती हूँ उनकी ड्रेसेस का, लेकिन बहुत रीजनेबल प्राइस शॉप है। आप यहाँ आ सकते हो, यहाँ पे आके आप ट्राई कर सकते हो। इनके पास सेमी स्टिच, स्टिच्ड, हर तरह की चीज़ है। तो मैं मेनली देख रही हूँ कुछ, यू नो, मतलब कि मुझे लहंगा नहीं लेना है इस बार शादी के लिए, तो कुछ गरारा हो या फिर शरारा हो लॉन्ग स्लीव्स के साथ। और आजकल वो धोती का बड़ा फैशन चल रहा है, क्या बोलते हैं यहाँ पे धोती को, ट्यूलिप पैंट्स। तो ट्यूलिप पैंट्स का बहुत फैशन चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे माइंड में, तो मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ इनकी कलेक्शन। तो जैसे कि मुझे रूही यहाँ पर लेकर आई है और शायद मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा सा मिल जाए मेरे भाई की शादी के लिए, आप लोगों को भी मिल जाए। तो पहले हम आपको कलेक्शन दिखाते हैं और मैं खुद भी देखती हूँ आपके साथ। तो इनके पास सेमी स्टिच की भी कलेक्शन है, तो पहले सेमी स्टिच देख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम है, मेरे पास कुछ 4 से 5 दिन है। तो अगर मुझे कुछ सेमी स्टिच पसंद भी आता है तो, है ना, हम इजिली देविका से सिलवा सकते हैं, है ना। तो रूही है कैमरे के पीछे, गाइस मेरी बहुत हेल्प कर रही है सीरियसली। न्यूड कलर्स, पेस्टल कलर्स इनका बहुत फैशन है। तो मैं कुछ ऐसे ही कलर्स देख रही हूँ, जैसे कि ये आई थिंक ये लहंगा है ना, ये पैटर्न हमने लेटेस्ट बनाया है, तो लेटेस्ट थिंग है। सो दिस अगेन इज अ शरारा राइट नाउ, बट वी मेक स्कर्ट्स एज वेल इन द सेम पैटर्न। ओह नाइस, दिस इज ऑल हैंड एम्ब्रॉयडरी ऑन द फ्रंट ऑफ नेक फ्रंट। और ये पूरा, इफ यू सी द डिटेलिंग ऑफ द एम्ब्रॉयडरी, बहुत ही सुंदर काम किया हुआ है इसके ऊपर डिटेलिंग। देखो तो पिकॉक्स बनाए हुए हैं हमने, बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ये पूरे पिकॉक्स हैं यहाँ पे। वेरी नाइस, कलर भी बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारा है, इसमें ब्यूटीफुल कलर बहुत प्यारा है, फॉल्सा कलर है ना ये, पर्पल है ना, इतना इतनी मुझे नॉलेज है। हाँ, लाइक लड्डू पीला कलर से आपका फॉल्सा कलर फेमस होने वाला है। प्रीति सूरी का फॉल्सा कलर फेमस होगा। इसलिए ट्यूलिप पैंट है, तो नहीं इट्स वेरी प्रिटी, और मतलब बहुत इजी टू वेयर होते हैं ये वाले सूट्स, है ना, और इजी टू कैरी भी। मुझे तो ये वाला पैटर्न बहुत पसंद आ रहा है, मुझे इसमें ग्रीन कलर पसंद आया, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। मुझे ये ग्रीन कलर बहुत पसंद आया है, इसके अगेन ट्यूलिप पैंट्स हैं। तो एक ये वाला पीस मुझे बहुत पसंद आया है, तो अगेन लॉन्ग कुर्ती विद शरारा, और ये दिखने में गोल्डन गोल्डन है लेकिन वाइट का लुक भी देता है, यू नो। और मेरा बहुत मन था कुछ ऐसे वाइटिश क्रीमिश पहनने का, जो कि ऑल ओवर एक ही कलर चल रहा हो, तो इस ड्रेस में मुझे वो सब कुछ मिल रहा है। अगेन दिखने में बहुत हैवी है ड्रेस, लेकिन इतनी हैवी है नहीं, इजी टू वेयर, इजी टू कैरी। मैंने ट्राई करके देखी है, ट्रायल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब शॉर्ट्स पे और इंस्टाग्राम रील्स पे आ चुकी है, तो आप ज़रूर देखना। तो सौरभ पहनने वाला है कुछ ब्लैक और गोल्ड में, तो उसको कुछ ब्लैक गोल्ड पहनना है, वाइट मिक्स। तो अगर वो पहनेगा तो उसके बाद मेरी जो ये वाली ड्रेस है बड़ी अच्छी तरह से पेयरअप हो जाएगी, लाइक एक समा हम लोग ट्विनिंग ही कर लेंगे, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये वाला मैंने लिया है, वो बॉटल ग्रीन लिया है, और एक मैंने एक और ट्राई करा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यू नो, अगर आप कोई लॉन्ग ड्रेस में देख रहे हो तो ये अनारकली स्टाइल है, ये भी मैंने ट्राई करा है, इट्स वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। और अगेन यू नो, अगर आप डांस परफॉर्मेंसेस कर रहे हो अपने भाई या बहन की शादी पे, या फिर आप खुद ही ब्राइड हो, तो भी इट्स वेरी प्रिटी, वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्लीव्स हैं, इस शॉप का जो एड्रेस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर छोड़ दिया है। ऑब्वियसली मैं सारी कलेक्शन तो कवर नहीं कर सकती हूँ इस वाले ब्लॉग में, बट
ट्रस्ट मी कलेक्शन बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, लाइक आई कांट टेक माई आईज ऑफ। मुझे तो खैर सब कुछ ही पसंद आ रहा है, लेकिन पिछले 3 से 4 घंटे हूँ मैं यहाँ पर और सबने मेरी बहुत हेल्प करी है चीज़ें चूज करने में। गर्ल्स ओवर हेयर आर फेबुलस, तो ट्राई रूम में भी वो लोग मेरी हेल्प कर रहे थे। तो इट्स अ वन स्टॉप शॉप। जैसे मैं आपको पहले डिज़ाइन मशीन लेके गई थी एंड वहाँ की कलेक्शन मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर आपको सूट्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी और यहाँ की कलेक्शन भी इज अमेजिंग। सीरियसली मुझे शरारे और ट्यूलिप पैंट्स बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं और ये लोग ऑल्टर भी कर देते हैं। और अभी मेरी पवनीत से बात हो रही थी, सो आई मेट हिम ओवर हेयर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी शॉप पे आके। सो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हिम, सो इफ समवन विल ऑर्डर एनी ड्रेस और एनी कॉस्ट्यूम तो आप वो डिलीवर कर, ऑलवेज ऑर्डर इट ऑनलाइन, वी डिलीवर ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ओके, तो आपकी वेबसाइट भी है? हमारे पास इंस्टाग्राम पे है, वेबसाइट विल बी लाइव वेरी सून। ओके, इंस्टाग्राम इज ऑन, इंस्टाग्राम पे कलेक्टिव स्टूडियो दिल्ली के नाम से हमारा पेज है, ओके, दैट यू कैन फॉलो। वहां पे हमारे रेगुलर अपडेट्स आते हैं फॉर ऑल द न्यू पैटर्न्स दैट वी डू। Okay. तो उसमें रेगुलर तो कोई किसी को, अगर किसी को कोई भी ड्रेस पसंद आ रही है तो आपको इंस्टाग्राम पे डीएम करके आपसे कांटेक्ट करके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। पुट अ क्वेरी, विल दे गेट अ रिस्पांस, बहुत जल्दी रिस्पांस कर देते हैं हम लोग, टीम है हमारी पूरी जो फटाफट से रिस्पॉन्ड कर देगी आपको, और जैसे ही आपको जो भी चाहिए विल डेफिनेटली हैव इट शिप्ड एट योर प्लेस। अगर मेजरमेंट्स में करा के चाहिए तो प्रॉपर मेजरमेंट्स अगर आप हमें भेजोगे अपने मेजरमेंट्स, तो हम पूरे मेजरमेंट्स में रेडी करके भेज देंगे। ओह दैट्स वेरी गुड, नो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द डिटेल्स। तो अब आपने खुद ही सुन लिया है, तो अगर आपको, अगर आप दूर बैठे हो और आपके पास टाइम नहीं है शॉपिंग करने का, तो आप इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और इनकी अपनी शॉप भी है तिलक नगर में जिसका मैंने एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इंडिया विजिट के पहले गोलगप्पे खाने आ गई हूँ मैं रूही के साथ, पता रूही मेरी ना वो बन चुकी है, वो कहते हैं ना पर्सनल डिज़ाइनर होता है ना बंदा, साथ चलता है कि मैं बताती हूँ, मैं आपके लिए सिलेक्ट करती हूँ, मैं रूही पे पूरा ट्रस्ट कर रही हूँ। नहीं यार बहुत मज़ा आ रहा है सीरियसली, और अब हम आ गए गोलगप्पे खाने। सिंगला सिंगलाज है बहुत फेमस, मुझे घर का पता नहीं भाई, अब मुझे हल्दी नाम के आगे कुछ नहीं पता, ज़्यादा बीकानेर वाला पता है। हेलो एवरीवन, तो शाम हो चुकी है और आज कौन सा दिन है, तीसरा दिन है शायद प्रीति के गए हुए, तो बस मैं मुझे कुछ भूख लगी थी और शाम को भी आने का टाइम भी हो चुका है, आने का टाइम हो चुका है, तो बस मैं अपने लिए प्रोटीन का स्ट्रॉबेरी शेक कह रहा हूँ, स्ट्रॉबेरी योगर्ट लेके आया हूँ फैट फ्री, इसको खाऊंगा और फिर मैं अभी को लेने जाऊंगा, कुछ थोड़ा सा मेरा काम का काम रह गया बस वो ख़त्म करूंगा फिर उसको लेने जाऊंगा, एंड फिर अच्छी शाम बिताएंगे क्योंकि आज है फ्राइडे, वीकेंड पे छुट्टी है हमारी एंड बहुत सारा काम करना है इंडिया जाने का, तो बस योगर्ट के साथ जरा वो खाते हैं ग्रेनोला एंड आफ्टर ग्रेनोला लेट्स गो एंड पिक अ बीयर अप। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसके नीचे योगर्ट है, तो बस इसको मिक्स करके खाते हैं फिर चलते हैं बीयर को लेने के लिए। और हाँ, ये मेरी पहली मील है सुबह से और शाम हो चुकी है, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले, तो बस डाइट फुल ऑन है इंडिया जाने से पहले। तो मैं ये एक शॉप में आई हूँ, यहाँ पे बहुत सारी यू नो लटकन्स यू नो और गोटा पट्टी तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, और इतनी बड़ी शॉप है ये, मैं सोच रही हूँ कि इनको खुद भी कैसे याद रहता है कि कितनी गोटा पट्टीज हैं इनके पास सीरियसली, और छोटी छोटी चीज़ें, ये देखो ये कोई मुझे बता रहा है कि हाथ का काम है, मैं सोचूं जो लोग बनाते होंगे कितनी मेहनत का काम है यार, बहुत अच्छी शॉप है ये, तिलक नगर में ही है ये शॉप और यहाँ पे हर तरह की गोटा पट्टी मिलती है, जो आप अंदर देख रहे हो ना अंदर हजारों मतलब करोड़ों गोटा पट्टियाँ हैं, करोड़ों तरह की लटकन्स हैं। देविका थैंक यू सो मच यार, फिटिंग बहुत अच्छी आई है, बाकी मैं कल सबको पहन कर दिखाऊंगी, मेकअप वेकअप करूंगी, और यहाँ पर एक बड़ा क्यूट सा प्यारा सा बेबी है, क्या नाम है भी आपका? अद्विक, ओ यू नो जब मेरा बेबी होने वाला था मैं सोची थी उसका नाम अद्वे रखूं, तो तुमने अब अद्विक बोला तो मेरे दिमाग में बात आई, हाँ फिर मैंने उसका नाम अबीर रखा। कितने इयर्स के हो आप? मैं 8+। ओ मेरा बेटा भी 8+ का है, कौन सी क्लास में जाते हो? मैं सेकंड में हो तुम, यहाँ पर स्कूल थोड़ा बाद में जाते हैं, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास कब शुरू होती है? फर्स्ट क्लास होती है 5+ वहाँ पे, फर्स्ट क्लास होती है वहाँ पे 5+ ही होती है, नहीं 5+ होती है, 6+ ऐसे कुछ होता है।
एनीवे मैंने आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और क्या करते हो आप? मैंने सुना आप कुछ म्यूजिक का कुछ करते हो, क्या करते हो? हारमोनियम सीखते हो? सारे गाने प्ले कर लेते हो? सारे नहीं, अभी थोड़े से ही आते हैं। कौन से वाला आता है? एक आरती आती है और एक सॉन्ग आता है। हाँ वाह यार, बड़ी अच्छी बात है। पता वो इतना खुश है वो इस ख्याल के साथ ही कि वो YouTube पे आएगा। Oh, I'm so glad. Good morning everyone. तो आज हो गया है सैटरडे। सैटरडे को सुबह बड़ा अजीब लग रहा है यार, प्रीति है नहीं यहाँ पे, तो बस अभी इन्हें ब्रेकफास्ट कर लिया, हम टाइम पे उठ गए थे दोनों, एंड उसके लिए बस मैंने अभी फ्रूट्स काटे तो उसको लेके जाते हैं, वो होमवर्क कर रहा है अपना। और आप मानोगे नहीं, सुबह के सिर्फ आई थिंक 10:15 हो रहे हैं और बच्चा हमारा इतना अच्छा बच्चा बन गया। सो हियर इज अबीर, अभी से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। Everybody. And what are you doing? I'm making a poster. तो अभी पोस्टर बना रहा है। That states of matter, solids, liquids, and gas. Oh, okay. Very good. Very, very good. And I'm on my last one. Yeah. Can you make sure that you start your sentence with a capital letter, please? Jeez. Okay. Okay. Now, first finish this and then fix it. Okay, baby. But you're doing so well. I did a bad job. So close, and it's okay. And I can't do this thing. I have to be careful. Yeah, but well done. I'm proud of you. I got some fruits for you. Shall I put it on the side here? That's mummy, you know. Jitna khana kha lo, chalo. Theek hai? Good boy. आप सोच रहे होगे पीपी जाती है, हम काम नहीं करते, हम पूरा काम करते हैं। सारे बेड्स रेडी हैं। टॉयलेट का दरवाजा खुला हुआ था, पीपी सॉरी बट It's everything is clean in your house. Well done, Saurabh. ठीक है, ये साइज ठीक है, ले ले। तो हम Stella Toes में वापस आ चुके हैं और मम्मी को ये वाली चप्पल भी पसंद आ रही है, तो इनके लिए ले लेते हैं। ठीक है, हाँ एक दूसरे भी लिए ना, हाँ दूसरी भी, भैया दूसरी भी लिए, दूसरी भी दिखाओ। वाओ, शादी की शॉपिंग चल रही है और आप देख सकते हो बहुत सारा स्ट्रेस होता है शादी की शॉपिंग करते हुए, तो वो स्ट्रेस मेरे फेस पे आ चुका है एक मेहमान, बट आई एम ट्राइंग टू ट्रीट इट। तो मुझे दोबारा से ना कोल्ड सोर हो गया है क्योंकि पानी बहुत कम पी रही हूँ मैं वैसे भी पानी बहुत कम पीती हूँ, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको मालूम ही होगा। हाउएवर अभी हमने सौरभ की भी हमने एक शू उठा लिए है ना, बड़े अच्छे हमने बड़े प्यारे शूज उठाए, हम आपको सबको दिखाएंगे। जब हम शॉप के अंदर जाते हैं ना, इतनी बातें चल रही होती हैं, इतना सब कुछ चल रहा होता है, मेरा कैमरा मैं उठा ही नहीं पाती हूँ, और वहाँ पर ना बहुत सारे और भी लोग होते हैं, सो आई जस्ट रिस्पेक्ट एवरीबडीज प्राइवेसी, क्योंकि कई लोग कैमरा में आना पसंद नहीं करते और यहाँ पर थोड़ा सा यू नो पीपल आर शाय, सो आई ट्राई टू अवॉइड इट। अपना ट्रैफिक दिल्ली का ये तो हर जगह ही है, तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पा रही हूँ। हाउएवर मैंने सौरभ को उठा लिया है, अबीर के लिए बड़े अच्छे शूज़ उठाए हैं उसकी शेरवानी के साथ के, तो और मम्मी आपके लिए भी हमने मेरे लिए भी शूज उठा लिए, हमने अपने शूज की सारी शॉपिंग कर ली है ना, तो अब हम आए अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग करने, तो हमारे साथ दोबारा यू नो हमें बताने की जरूरत ही नहीं, गाइस ये बंदा बना हुआ है पहले दिन से बना हुआ है। जहां मैं कह रही थी मैं तिलक नगर नहीं जाऊंगी, मैं लंदन से कहती आ रही थी, लेकिन मैं तिलक नगर से निकल ही नहीं पा रही हूँ। एवरी डे आई एम शॉपिंग फ्रॉम दिस मार्केट ओनली, और बड़ी अच्छी दुकानें यहाँ पे। तो अगर आपको याद हो मेरा व्लॉग अभी 2-3 दिन पहले मैंने निकाला था, तो मैंने आपको दिखाया था कि हमने कुछ इयररिंग्स खरीदे थे तिलक नगर से शॉप से, तो उस शॉप का नाम डिस्क्रिप्शन एड्रेस सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम उस शॉप पे दोबारा आ गए हैं और मैंने बड़ी प्यारी ज्वेलरी उठाई है, मैं आपको फटाफट से ग्लिम्स दूंगी, लेकिन उस ज्वेलरी की डिटेलिंग और मैं क्या पहनने वाली हूँ शादी वाले दिन और कॉकटेल पार्टी पे, ये मैं आपको उस व्लॉग में दिखाऊंगी। तो इयररिंग्स दिखा देते हैं, मैं ऐसे कुछ इयररिंग्स पहनने वाली हूँ कॉकटेल पे। तो यहाँ पर इन सब ने मेरी बड़ी हेल्प करी है, एक एक चीज पूछती रही हूँ जब जब मैं अपनी ज्वेलरी सिलेक्ट करी थी, बट थैंक यू सो मच। और सबने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है ना, जी ना, थैंक यू सो मच। आपको भी ले लेती हूँ, भैया शायद थोड़े शाय हैं, लेकिन बहुत हेल्प करी आपने मेरी, थैंक यू सो मच। भैया आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? ज्यादा डिफिकल्ट कस्टमर तो नहीं थी मैं? नहीं तो मैं जब से इंडिया आई हूँ, मुझे रूही ने कहा हुआ है मैं आपको एक जगह पे लेके जाऊंगी, वहाँ पे आपको सैलड्स बहुत पसंद आएंगी, तो हम फाइनली वहाँ आ चुके हैं और यहाँ पे तरह तरह की सैलड्स हैं, और आप लोगों को तो मालूम है हमें सैलड्स का बहुत शौक है। रैप होते हैं तिलक नगर मार्केट में है, और जहाँ पर सारे फ्रूट्स वाले नहीं भैया बैठे होते वहीं पर आपको ये इनकी शॉप मिल जाएगी, बहुत छोटी सी जगह है बट दे मेक अमेजिंग सैलड्स।
अपनी शॉपिंग वगैरह खत्म करके फटाफट से हमने हेल्दी हेल्दी कुछ खाया और यहाँ पे हमें एक बड़ा प्यारा कैफे भी मिल गया जहाँ हमने बैठ के कॉफ़ी पी, लेमनेड पिया। और इस कैफ़े का नाम है कूल स्कूप और ये तिलक नगर में ही है। तो बड़ी अच्छी अच्छी जगहें मैं स्पॉट कर रही हूँ। तो हम लोग ऐसे चल रहे थे तो हमें कॉफ़ी पीनी थी तो हम लोग चलो इस कैफ़े में चलते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल कैफ़े। नहीं, मैंने सोचा है जब अबीर और सौरभ आ जाएंगे मैं उनको ज़रूर लेके आऊँगी यहाँ पे। और स्टाफ भी बहुत ही कर्टियस था, इन्होंने हमारी बड़ी हेल्प करी। मैंने आराम से बैठ के अपना व्लॉग एडिट करा और अपना व्लॉग अपलोड भी करा। इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी थी आपकी, सीरियसली। तो अगर आप लोग कभी यू नो काम कर रहे हैं घर से या फिर कुछ काम करना है आपको लैपटॉप पे एंड यू रियली वॉन्ट टू हैव अ पीसफुल प्लेस, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वन। इसका एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और बड़ी अच्छी अच्छी चॉइसेज हैं यार, यहाँ पे हर चीज़ मिलती है जो एक कैफ़े में मिलती है ना, वो हर चीज़ यहाँ मिलती है। गुलाब जामुन से लेके वॉफल से लेके सैंडविचेस से लेके और टी कॉफ़ी सब कुछ। तो अब बन रहा है खाना। टमाटर कट चुके हैं, प्याज कट चुके हैं, कुकर चढ़ चुका है। मैं बनाने लगा हूँ चावल पुलाव, तो देखते हैं कैसा बनता है यार। चावल बन चुके हैं और ऐसे दिख रहे हैं अभी। ये तो अच्छे लग रहे हैं यार। बेटे बैठे थे, जाओ कि बैठ जाओ जाके, मैं अभी ला रहा हूँ।